हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय पढ़ा रहे हैं। उसके अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न 5 समझाने वाले हैं। इसके पहले प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न 1, 2, 3, 4 समझा 1, 2, 3 समझा दिए थे। अब आपको प्रश्न नंबर 4 समझा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे दिया है, इसका नंबर एक विकल्प दिया है 9 6 वर्ग ऋण 9 10 वर्ग बराबर होता है। तो इसके विकल्प दिए हैं, ए नंबर दिया है 1, बी नंबर दिया है 9, सी नंबर दिया है 8 और डी नंबर दिया है 0। और जब तक हम इसको हल करके नहीं देखेंगे तो हमें नहीं मालूम इसका आंसर सही क्या है। हो सकता है कि विकल्प पेपरों में आ जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पेपर के दृष्टिकोण से। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। हल करने पर जो आंसर आएगा वह सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया है, 9 6 वर्ग a ऋण 9 10 वर्ग a ये दिया है। इसको हल करते हैं, हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। हमने 9 कॉमन लिए तो क्या बचे यहाँ पे, 6 वर्ग a ऋण 10 वर्ग a, 6 वर्ग ऋण 10 वर्ग a बचा। चाहा तो यहाँ पे आप, एक सूत्र होता है हमारा स्वरसमी का, देखिए हमने 6 वर्ग a बराबर क्या होती है, 1 धन 10 वर्ग a। और 6 वर्ग a धन 10 वर्ग a का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, ऋण 10 वर्ग a। और 6 वर्ग ऋण 10 वर्ग a ये हो गया बराबर क्या आ गया, 1। तो 6 वर्ग ऋण 10 वर्ग a बराबर क्या होता है, 1 होता है षोडशसमीकरण का 2 के आधार पे, क्योंकि षोडशसमीकरण का 2 हमारे 6 वर्ग a बराबर 1 धन 10 वर्ग a है। तो इस आधार पे ये 9 आ गया, तो जैसा का वैसा। और 6 वर्ग ऋण 10 वर्ग a का मान कितना हो गया, 1। तो 9 का 1 में गुणा की तो 9, तो इसमें क्या आ गया, 9 आया आंसर में। अब देखिए हमारे विकल्प में 9 है या नहीं है, ए में तो नहीं, बी में है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर 9। एंड 9 6 वर्ग ऋण 9 10 वर्ग a बराबर है। या इसको ऐसा भी पूछ सकता है आपको प्रश्न बना के, 9 cosec वर्ग ऋण 9 cot वर्ग a। तो इसका भी क्या आ जाएगा, 9 बाहर निकाले तो कोशेक वर्ग ए ऋण कॉट वर्ग ए, 9 कोशेक वर्ग ऋण कॉट वर्ग ए का मान क्या होता है, 1, क्योंकि ये भी शॉर्ट समीकरण का 1 में। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 9। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके विकल्प खालिस्तान या उसके लिए भी सही जोड़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक और विकल्प दिया है, विकल्प 2 दिया है। ये नंबर 1 हो गया था, इसका विकल्प नंबर 2 क्या दिया है? देख लीजिए, 2 नंबर में दिया है ब्रैकेट में 1 धन 10 थीटा धन 6 थीटा, फिर 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा। फिर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका ए नंबर दिया है 0, बी नंबर दिया है 1 और सी नंबर दिया है 2 और डी नंबर दिया है -1। हम इसे हल करेंगे। ये एक्चुअली प्रश्न 4 या 5 अंक का प्रश्न है, विकल्प लाइक का प्रश्न नहीं है। यदि हम इसे हल करते हैं तो काफ़ी बड़ा हल जाएगा। बस हम क्या करेंगे, इसका आपको आंसर बता देते हैं। बस आप इसका आंसर याद रख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर आएगा 2। 1 धन 10 थीटा धन sec, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 धन cot थीटा ऋण cosec थीटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। सही आंसर क्या हो गया, 2। अब देखिए नेक्स्ट तीसरे नंबर का विकल्प देखिए। इसका तीसरे नंबर के विकल्प में क्या दिया है, sec a धन tan a और 1 ऋण sin a। इसमें ए नंबर दिया है इसका 6a, बी नंबर दिया है साइन ए, सी नंबर दिया है cosec a और डी नंबर दिया है cos a। अब इसको भी हम जब तक हल करके नहीं देखेंगे तो आंसर नहीं बता सकते। तो इसको हम हल करके देख लेते हैं, इसका हल क्या आ जाएगा। देखो, 6a धन tan a और 1 ऋण sin a,
हल करते हैं। शेक को एक बटे कॉस ए लिख दिए, और टेन का सूत्र होता है शाइन ए बटे कॉस ए। ये शेक ए का सूत्र क्या होता है? शेक ए का उल्टा होता है एक बटे कॉस ए। तो हमने शेक ए का लिख दिया एक बटे कॉस ए धन टेन ए का सूत्र होता है शाइन ए बटे कॉस ए, और दूसरे कोष्टक का एक ऋण शाइन ए को जैसा का वैसा लिख दी हमने। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या जाएगा? कॉस ए। तो ऊपर जैसा का वैसा एक धन शाइन ए, फिर एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में दिया एक ऋण शाइन ए। यहाँ पे एक धन शाइन ए, एक ऋण शाइन ए, तो इसको लिख सकते हैं हम एक ऋण शाइन वर्ग ए। कौन से सूत्र से? ए धन बी और ए ऋण बी वाले सूत्र से। ए धन बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी बराबर क्या होता है? ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो हम इसको एक धन साइन ए और एक ऋण साइन ए, तो क्या लिख सकते हैं? एक ऋण साइन वर्ग ए बटे कॉश ए। अब इसके आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, एक ऋण साइन वर्ग ए का सूत्र क्या होता है? कॉश वर्ग ए बटे कॉश ए। ये कॉश ए से वर्ग कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कॉश ए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर का, डी नंबर का क्या आ जाएगा? कॉस ए। तो ये एक छोटा सवाल ही बन गया, आपको पेपर प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, विकल्प खालिस्तान के रूप में। इस प्रकार से मैंने आपको ये तीन विकल्प बताया। इसका आप चौथा विकल्प देखिए, चौथा विकल्प क्या है? पहले का 9 आ गया था, दूसरे का 2 आया था, और तीसरे का क्या आया? कॉस। अब देखते हैं इसका चौथा विकल्प। चौथा विकल्प दिया है चौथा नंबर का, एक धन टेन वर्ग ए, एक धन टेन वर्ग ए बटे एक धन कॉट वर्ग ए। तो अब यहाँ पे क्या, उस कौन सा सूत्र लग जाएगा? एक धन टेन वर्ग ए, इसका पहला नंबर दिया है, ए नंबर क्या दिया है इसमें? शेक वर्ग ए। बी नंबर दिया है ऋण एक। सी नंबर दिया है कॉट ए। और डी नंबर दिया है यहाँ पे क्या दिया है? टेन वर्ग ए। जब तक इसको हम हल नहीं करेंगे तो हम आंसर नहीं बता सकते। इसको हल कर लेते हैं, जो आएगा आंसर उसमें टिक मार्क लगा देंगे। क्या है? एक धन टेन वर्ग ए बटे एक धन कॉट वर्ग ए। एक धन टेन वर्ग ए सौरसमीकरण 2 में है, देखिए क्या होता है? एक धन टेन वर्ग ए बराबर शेक वर्ग ए। और सौरसमीकरण 3 में एक धन कॉट वर्ग ए, ये हमने सौरसमीकरण पढ़े हैं ना, शेक वर्ग ए बराबर क्या होता है? एक धन टेन वर्ग ए या कोशेक वर्ग ए बराबर क्या होता है? एक धन कॉट वर्ग है। तो ये सौर समीकरण का लगा दी हमने यहाँ पे, एक धन टेन वर्ग क्या हो गया? शेक वर्ग। और एक धन कॉट वर्ग का क्या हो गया? कोशेक वर्ग है। अब क्या करेंगे हम, इसको चेंज कर देते हैं। एक शेक वर्ग का क्या हो जाएगा? एक बटे कॉश वर्ग भागित, और कोशेक का क्या हो गया? एक बटे शाइन वर्ग है। अब इसको हम क्या करेंगे, भागफल से गुणनफल में बदल देंगे। तो ऊपर का एक बटे कॉस वर्ग जैसा का वैसा लिख देंगे बराबर, ये एक बटे साइन वर्ग है, तो क्या हो जाएगा? ये साइन वर्ग है ऊपर चल जाएगा, और एक कहाँ जाएगा? नीचे। साइन वर्ग का एक में गुणा किए तो क्या हो गया? साइन वर्ग है। और कॉस वर्ग का एक में गुणा किए तो कॉस वर्ग है। एक सूत्र होता है साइन वर्ग बटे कॉस वर्ग का क्या होता है? टेन वर्ग है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? देखिए आंसर तो आ गया हमारा, अब यहाँ ऑप्शन में है क्या? नहीं, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? टेन वर्ग है। तो ये पेपर में प्रश्न हल करने के लिए भी आ सकता है, विकल्प खालिस्तान में। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के जो 4 विकल्प दिए थे वे हमने पूर्ण किए। इसके बाद आगे के प्रश्न फिर बता रहे हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हमें पूरा पूरा हल करके देखना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे।
प्रश्न नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित स्वर समीकरण सिद्ध कीजिए। प्रश्न 5 में क्या दिया है, निम्नलिखित स्वर समीकरण, निम्नलिखित स्वर समीकरण सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित में अभी नीचे लिखी रहेंगी वो स्वर समीकरण सिद्ध कीजिए, जहाँ वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित करें या न्यून कोण हैं। तो हम इन्हें सिद्ध करते हैं। इसकी पहली स्वर समीकरण दी है, पहली स्वर समीकरण है कोशेक थीटा ऋण कॉट थीटा पूरे का वर्ग बराबर हो एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। ये इसके पहले इस स्वर समीकरण या ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता था, अधिकतर ये प्रश्न पेपर में आता ही था। कौन सा, कोशेक थीटा ऋण कॉट थीटा बराबर एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। ये इसके पहले जो जितने भी एग्ज़ाम थे हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ है और इम्पॉर्टेंट रहा है। अब इस एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट ही समझिए इसे। हल बहुत सरल है, प्रश्न लिख दीजिए कोशेक थीटा ऋण कॉट थीटा पूरे का वर्ग बराबर एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा पूरे का वर्ग। आप लेफ्ट हैंड से भी हल कर सकते हैं, राइट हैंड से भी, हम लेफ्ट हैंड से आपको हल करके बता रहे हैं। अब देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, एक बटे साइन थीटा, और कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का वर्ग। कौन सा सूत्र लग गया, ये वाला सूत्र लग गया, कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, और दूसरा कॉट थीटा का कौन सा सूत्र लग गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो सूत्र यूज हुए हैं इसमें अभी। अब देखिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, हर समान है तो साइन थीटा जैसा का वैसा हर आ जाएगा, ऊपर जैसा का वैसा लिख दीजिए एक ऋण कॉस थीटा, या यहाँ पे पूरे का वर्ग। अभी ये पूरे का वर्ग था तो हम क्या करेंगे, अंश का वर्ग अलग कर देंगे, जैसे एक ऋण कॉस थीटा इस पूरे का वर्ग कर देते हैं और इस साइन थीटा का अलग कर दिए। ये पूरे का वर्ग था, अंश का भी वर्ग और हर का वर्ग पूरा था, अब हमने अंश का वर्ग अलग कर दिया और हर का वर्ग अलग कर दिए, यानी एक ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग लिख दिए और नीचे लिख दिए साइन वर्ग थीटा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग है। फिर देखिए यहाँ पे एक ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग, अब साइन वर्ग थीटा बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, साइन वर्ग थीटा बराबर एक ऋण कॉस वर्ग थीटा। साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, एक ऋण, तो एक ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख दी हमने। अब इसके आगे देखिए हल, अब इसके क्या आगे क्या आएगा, ये बराबर लगाया हमने, अभी एक ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग है तो वर्ग का अर्थ होता है दो बार, यानी एक ऋण कॉस थीटा को हम कितने बार लिख सकते हैं, दो बार, एक ऋण कॉस थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक ऋण कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए एक का वर्ग ऋण कॉस वर्ग थीटा, यानी इसका वर्ग अलग है इसका वर्ग अलग है, तो एक का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो क्या होगा, एक बार यही संख्या धन में आ जाएगी एक बार ऋण में, तो एक धन कॉस थीटा एक कोष्टक में आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में एक ऋण कॉस थीटा। ये एक धन कॉस थीटा जैसा का वैसा रहेगा, ये एक ऋण कॉस थीटा से एक ऋण कॉस थीटा क्रॉस हो गया, क्या बचा, अब एक ऋण कॉस थीटा पूरे के बटे एक धन कॉस थीटा। इस प्रकार से कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रश्न को हमने हल करे, कैसे हल किए, पहले प्रश्न लिख दिए फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, कोशेक का उल्टा क्या लिखे, एक बटे साइन थीटा ऋण कॉट थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का वर्ग। लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा और ऊपर का जैसा का वैसा। अब ये पूरे का वर्ग है, ये पूरे का वर्ग है तो इसका वर्ग अंश का वर्ग अलग कर दिए और हर का वर्ग अलग कर दिए। फिर अंश को जैसा का वैसा लिखे और साइन वर्ग थीटा का सूत्र क्या होता है, एक ऋण कॉस वर्ग थीटा,
तो हमने साइन वर्ग थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया, एक ऋण कॉस वर्ग थीटा। ये वर्ग है तो इसको दो बार लिख दिए, एक ऋण कॉस थीटा, एक ऋण कॉस थीटा। और यहाँ ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लग जाएगा, तो एक बार धन में एक बार ऋण में, ये एक ऋण कॉस थीटा से एक ऋण कॉस थीटा क्रॉस हो गया, क्या बचा, एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। इस प्रकार से इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का पहला जो सौर समीकरण थी उसे सिद्ध करके बताया। इसके आगे फिर देखिए सौर समीकरण क्या है। इसके जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वही बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो त्रिकोणमिति में जो प्रश्न आने वाले हैं, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, तो ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, और 6 अंक के तो हमको सही जोड़ी, अधिकतर सही जोड़ी चाहिए 6 अंक की, तो इसलिए हम इनको समझा दे रहे हैं कि हो सकता है यहीं से घुमा के पूछ ले। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसी का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए बटे एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 sec A। इसको भी सिद्ध करने के लिए कहा है हल लिखिए। हल लिखने के बाद क्या लिख देंगे हम हल में, कॉस ए बटे एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 sec A। अब इसका हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए बटे एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए बटे कॉस ए, ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक धन साइन ए एक कोष्टक में गुणित कॉस ए, कॉस ए का कॉस एम गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग ए धन एक धन साइन ए का एक धन साइन ए से गुणा, एक धन साइन ए गुणित एक धन साइन ए। अब कॉस वर्ग ए जैसा का वैसा, अब इसका गुणा करेंगे इस कोष्टक का इस कोष्टक से, एक का गुणा एक से किए तो एक आ गया, फिर एक का धन साइन से किए तो धन साइन ए आ गया, साइन ए का एक में गुणा किए तो साइन ए आ गया, साइन ए का साइन ए में गुणा किए तो साइन वर्ग ए। फिर से गुणा देख लीजिए, एक का एक में गुणा की एक आया, इसी एक का साइन में गुणा की साइन आया, साइन अब इसके बाद साइन ए का फिर एक में गुणा की तो साइन ए आया, साइन ए का साइन ए में गुणा की तो साइन वर्ग ए, पूरे के बटे एक धन साइन ए गुणित कॉस ए जैसा का वैसा लिख दी हमने। अब इसको देखते हैं, हम जमा लेते हैं, ये कॉस वर्ग ए लिख दिया, फिर ये धन साइन वर्ग ए को पहले लिख दिया, फिर धन एक साइन ए में साइन ए जोड़े तो क्या हो गया, 2 sin A। पूरे के भागित एक धन साइन ए गुणित कॉस ए। देखिए इसके आगे फिर, अब ये कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए का मान क्या होगा, कॉस वर्ग ए धन साइन वर्ग ए का मान 1 होगा, फिर धन ये वाला 1 आ जाएगा, फिर धन 2 sin A, पूरे के भागित एक धन साइन ए गुणित कॉस ए। अब ये एक में एक जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 2 धन 2 sin A, भागित में क्या बचा, एक धन साइन ए गुणित कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 उभयनिष्ठ ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक धन साइन ए, और नीचे क्या है, एक धन साइन ए एक कोष्टक में गुणित कॉस ए। ये एक धन साइन ए से एक धन साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 गुणित 1 बटे कॉस ए, 2 गुणित 1 बटे कॉस ए, 2 गुणित 1 बटे कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, सेक ए, 1 बटे कॉस ए मीन्स क्या होता है, सेक ए। इस प्रकार से क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड।
तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न को हमने हल करके बताया। ये प्रश्न पहले बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अभी जो सिलेबस कह रहा है या ब्लूप्रिंट कह रहा है उसके आधार पे ये प्रश्न चार अंक या 5 अंक के हैं, और हमें जो आ रहा है प्रश्न 2 अंक आ रहा है। फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं कि पेपर में क्या पूछ रहे हमें नहीं मालूम, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न बता रहे हैं हमको, प्रश्न नंबर इसी का नेक्स्ट आपको नोट करना है, नोट कर सकते हैं देखे, या जहाँ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आपको नहीं करा रहे हैं हम, सीधे प्रश्न नंबर 4 बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी प्रश्नों को बता रहे हैं इसमें। प्रश्न नंबर चार दिया है, एक धन शेक ए बटे शेक ए बराबर शाइन वर्ग ए बटे एक ऋण कौश ए, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। इसको भी सिद्ध करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कोई भी साइड लेके हल कर सकते हैं। अभी तक हमने पूरे प्रश्न आपको लेफ्ट हैंड से बताए थे, इस प्रश्न को हम राइट हैंड से बताएंगे। तो इसका क्या ले लेंगे हम, राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या हो गया, साइन वर्ग ए बटे एक ऋण कौश ए। साइन वर्ग ए का सूत्र क्या होता है, एक ऋण कौश वर्ग ए। साइन सौरसमी का एक में है, साइन वर्ग ए बराबर क्या होता है, एक ऋण कॉस वर्ग ए। एक नीचे एक ऋण कॉस है, जैसा का वैसा लिख दिए। इसमें एक बार धन में ले लो एक बार ऋण में, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग सूत्र लग जाएगा, तो एक ऋण कॉस है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक धन कॉस है भागित एक ऋण कॉस है। ये एक ऋण कॉस है से ये एक ऋण कौश कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। अब बच गया क्या हमारा, एक धन कौश है। अब एक धन कौश का क्या होता है, एक बटे शेक है। कौश का क्या होता है, एक बटे शेक है। और शेक एक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या जाएगा शेक है, इसके भागित में एक है तो एक का एक में गुणा की तो एक, और शेक का एक में गुणा की तो शेक है। इस प्रकार से कौन सा साइड आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड से हल करना चालू किया और कहला लिए लेफ्ट हैंड। पुनः इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, कह लिए राइट हैंड साइड लेने पर साइन वर्ग ए बराबर क्या हो गया, एक ऋण कॉस वर्ग ए। एक ऋण कॉस वर्ग को 2 बार लिख दिए, एक बार ऋण में एक बार धन में, एक ऋण कॉस से एक ऋण कॉस से क्रॉस हो गया, क्या बच गया, एक धन कॉस से। और कौशे का सूत्र क्या हो गया, एक बटे शेक है, इसका एलसीएम शेक ए आया, एक का एक में गुणा की एक और शेक का ए में गुणा किए तो शेक है। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 4 समाप्त हुआ। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 बताते हैं, इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए। करनी के अंदर एक धन शाइन ए बटे एक ऋण शाइन ए बराबर क्या दिया है, शेक ए धन टेन ए। ये हमने अभी इसी के जैसे एक सेम सवाल पहला सवाल किए थे इसका, बस उसमें एक धन कौश ए और एक ऋण कौश ए था, यहाँ पे कोशिक था और यहाँ कॉट था, बस इसका उल्टा है। ये देखिए कैसे हल करेंगे इसको, इसका हम इसको पहले हम यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर देते हैं, ये करनी घटा के इधर क्या लगा देते हैं वर्ग, तो यहाँ एक धन शाइने भागित एक ऋण शाइने लिख दी हमने, और ये करनी हटी तो इस पूरे के क्या हो जाएगी वर्ग, शेक ए धन टेन ए पूरे का वर्ग। और इसका हम कौन सा साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड से हल कर लेते हैं क्योंकि इसके पहले के सवाल को हमने राइट हैंड से कराए थे। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या है, शेक ए धन टेन ए पूरे का वर्ग, तो शेक का क्या होता है सूत्र, एक बटे कॉस ए। धन टेन ए का क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, सेम बिल्कुल पहले सवाल जैसे ही है।
अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या जाएगा, कॉस से टू पर क्या रहेगा, एक धन साइन है जैसा का वैसा, पूरे का वर्ग। इसके आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पूरे का वर्ग इसका वर्ग अलग कर देते हैं, इसका वर्ग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक धन साइन है पूरे का वर्ग बटे कॉस वर्ग। अब क्या हो जाएगा, ये एक धन साइन ए पूरे का वर्ग जैसा का वैसा लिख दिए, भागित में कॉस वर्ग का क्या होता है, एक ऋण साइन वर्ग। अब देखिए इसको दो बार लिख देंगे हम, वर्ग पूरे का तो दो बार लिखेंगे, एक धन साइन ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक धन साइन ए, फिर क्या जाएगा, अब ये ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का, तो एक बार धन में एक बार ऋण में, तो एक धन साइन ए एक कोष्टक में आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में एक ऋण साइन ए, और इससे कैंसिल हो गया, एक धन साइन ए से एक धन साइन ए, क्या बच जाएगा अपना यहाँ पे, एक धन साइन ए बटे एक ऋण साइन ए। इस प्रकार से हमने क्या ला लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रश्न क्रमांक जो आपका एक था उसी के जैसे सेम है। अब इसके बाद आपके कुछ और प्रश्न हैं जो वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आज हम प्रश्न क्रमांक 5 के इतने ही प्रश्न समझाएंगे आपको, और इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे बाद में हम उसमें इन प्रश्नों को समझाएंगे, लेकिन हम जो परीक्षा में हमारा आने वाला कितने अंक आने वाला है, ये अध्याय 8 अंक आने वाला है, जिसमें 6 अंक के तो हमारी सही जोड़ी चाह जाएगी या विकल्प आ जाएंगे, तो बचे 2 अंक, तो 2 अंक में हमारे ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आएंगे, इसलिए हम इसके कुछ प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, अब आने वाले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों।